जब कुछ नया होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है ना। ऐसी ही है विजय की समृद्धि की कहानी और ये है अपना कुमार बाबू। नमस्कार विजय बाबू, क्या हालचाल है? आजकल खेत में नहीं दिख रहे हैं। अरे कुछ नहीं कुमार बाबू, घर का काम चल रहा है, उसी में लगे पड़े हैं दिन रात। और ये खेत की चिंता नहीं है मुझे, चेस डाला हुआ है ना। हाँ दिख रहा है, अच्छा है सब कुछ, लगता है गाड़ी भी नई लिए हुए हैं। हाँ चेस का इस्तेमाल किया है ना, सब कुछ पड़ रहा है। तुम कहाँ निकल पड़े भाई? कुछ पैसे की जरूरत पड़ी है, निकला हूँ उधार लेने के लिए अपने सरपंच से, फिर दवा डालनी है, बीपीएच जाता ही नहीं। ऐरे घेरे का इस्तेमाल किया और ये परिस्थिति में पड़ गया हूँ। धान के खेत को बीपीएच से बचा नहीं पाया ना, चेस इस्तेमाल करना था, सुरक्षा का ताला लगाना था ना। चेस लगाता है बीपीएच पर ताला, एक नहीं पूरे तीन तीन, जो कोई और दवा नहीं डाल पाती। पहला ताला मुंह पर, यानी कि छिड़काव के तुरंत ही बीपीएच रस नहीं चूस पाता। दूसरा ताला पैरों पर, इससे बीपीएच को लकवा हो जाता है और पौधों से गिर जाता है। तीसरा ताला अगली पीढ़ी के प्रसार पर, चेस से मिलती है संपूर्ण खेत की सुरक्षा। और ये ही नहीं, चेस से मिलती है हरी भरी फसल, स्वस्थ और अच्छे उत्पादक किल्ले। और जब किल्ले स्वस्थ हो तो क्या होगा? किल्ले स्वस्थ मतलब दानों का वजन ज्यादा, दानों का वजन ज्यादा मतलब मुनाफा भी ज्यादा। लगता है सिर्फ चेस ही मुझसे चूक गया। हाँ कुमार बाबू, अब सीखो चेस का इस्तेमाल कब और कैसे करें। चेस का पहला छिड़काव 50 से 55 दिन के अंदर और दूसरा छिड़काव 60 से 65 दिन के अंदर। और ध्यान रहे मात्रा 120 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ। कोशिश करें पौधों के निचले हिस्से में छिड़काव हो। चेस का इस्तेमाल करो और चिंता मुक्त रहो कुमार बाबू। अगर आज चेस का इस्तेमाल नहीं किया तो समझो मुनाफा हाथ से गया। तो भाई लोग अब मत बोलना कि चेस का इस्तेमाल मैंने नहीं किया।